हेलो फ्रेंड, लाइट के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे, जहां हम लोग थोड़ा लास्ट वीडियो में लाइट के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखे थे। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे मीटर। आखिर मीटर क्या होता है, जो हम लोग नॉर्मली अपने डेली लाइफ में शायद रूटीन में कम से कम एक बार जरूर देखते हैं हर रोज। तो मीटर चीज क्या है तो समझा लो, मीटर एक सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब सीधा बात कि लाइट अगर उस पर स्ट्राइक कर रही है तो लाइट को वो पार नहीं निकलने देता है और वो रिफ्लेक्ट कर, एक ग्लास सरफेस जिसमें क्या हो रहा है कि लाइट आर पार निकल नहीं सकता और वो रिफ्लेक्ट हो। रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, सिंपल सा, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तभी हमसे जो लाइट गई है मिरर को वो टकरा कर हमारे आंखों के पास आई और हम अपने आप को देखा। अब कैसे मिरर बना हुआ है तो देखा जाए, हमारे पास मिरर को पहले कैटेगराइज वाइज कैसे किया गया है तो दो कैटेगरी में हम लोग स्टडी करते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में वो मिरर हुए जिसे हम लोग डेली यूज कर रहे हैं, मतलब एक ग्लास का सरफेस है और उसे उसके बैक में पॉलिश कर दिया गया या सिल्वर कोटिंग कर सकते हैं, जिससे कि क्या हुआ कि वो लाइट को अपने क्रॉस पार करने से रोका। ये हमारी कोई प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का आप वर्टिकल देना चाहे तो वर्टिकल भी है, इस तरह से आप दे सकते हैं, जिसका एक हिस्सा आपने पॉलिश कर दिया है और एक हिस्सा को रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा। ये सरफेस जो हमारा है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सके, और ये हिस्सा है वो है पॉलिश्ड। सिमिलरली ये हिस्सा हमारा रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये हिस्सा हमारा पॉलिश्ड सरफेस। तो प्लेन मिरर वो हुआ जिसके एक पार्ट को आपने पॉलिश कर रखा और एक पार्ट अपना रिफ्लेक्शन के लिए रेडी। दूसरा है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या कहा जाता है समझा जाए, अगर मिरर का प्लेन स्फेरिकल या प्लेन नहीं, मतलब कि मिरर का प्लेन आपको स्ट्रेट नहीं हो तो उसे बोला जाएगा स्फेरिकल, कर्व प्लेन वाले मिरर। तो कर्व का मतलब हुआ कि या तो मिरर हमारे पास इस तरह से हो सकता है, कर्व मिरर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मिरर कर्व ये भी पॉसिबल है और हमारे पास कर्व ये भी पॉसिबल है। अब दोनों में देखा जाए, ये है इनवर्ट कर्व, मतलब कि लाइट को अपने अंदर वाले कर्व में आने देना, और सॉरी ये भी इनवर्ट ही बन गया। और अगला हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो है आउटवर्ड कर्व, जिसमें लाइट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर दोनों जगह देखा जाए तो यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है और यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, यहां पर अंदर वाली सतह लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए तैयार है क्योंकि बाहर पॉलिश किया हुआ, यहां पर अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर रखा है और बाहर लाइट को रिफ्लेक्ट कर। जिस सरफेस का या जिस स्फेरिकल मिरर का अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसे कहते हैं कॉनकेव, और जहां हमें बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसे बोलते हैं कॉनवेक्स। तो हमारे पास अब जो है वो प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास इंट्रोड्यूस। अब जो है कुछ चीजें जो हमें स्फेरिकल मिरर से जानने की जरूरत है वो है कि उनका टेक्निकल टर्म्स, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें समझना है, तो देखते हैं। तो स्फेरिकल मिरर में देखे, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव जिसे हमने बोल रहा है कि अंदर वाला सरफेस अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और कॉन्वेक्स जहां हम बोल रहे हैं कि बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस हो और अंदर वाला सरफेस पॉलिश्ड हो। इसमें हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जानना है वो है पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो इस गोलीय दर्पण या फिर स्फेरिकल मिरर जिस भी किसी ग्लास के स्फीयर का पार्ट होगा, ऑब्वियसली जैसे ये दिख रहा है तो इसका मतलब है ये किसी बड़े से स्फीयर इसका पार्ट रहा होगा जिससे ये काट करके निकाल देगा। ठीक है, यहां पर भी अगर देखा जाए तो ये भी एक किसी बड़े से स्फीयर का पार्ट रहा होगा जिससे ये काट करके निकाला गया हो, तो उस बड़े से स्फीयर का जो रेडियस होगा उसे ही बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम व्हिच दिस मिरर इज ऑब्टेन, इस मिरर को जिस बड़े से स्फीयर से ऑब्टेन किया गया है उस बड़े से स्फीयर के रेडियस को बोला गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हुआ कि उस बड़े से स्फीयर जिसका ये पार्ट है स्फीयर का मिरर, उसी के पार्ट के सेंटर को बोला गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो कि देखिएगा तो होगा क्या कि कॉनकेव मिरर में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में, मतलब कि मिरर के आगे में दिख रहा है, और कॉन्वेक्स मिरर में चूंकि ये इस स्फीयर का पार्ट है तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जो मिरर के पॉलिश वाले पार्ट। ठीक है, तीसरी बात जो हमें जानना है वो है फोकस। तो फोकस का क्या होता है, तो समझा था फोकस करता है कि अगर फोकस से समझने पहले थोड़ा सा हम लोग सुन ले पोल। ठीक है, तो पोल क्या है पॉइंट, तो समझे पोल है कि अगर किसी भी ऐसी पॉइंट जहां पर किसी मिरर पर उपस्थित या अवेलेबल वह पॉइंट जहां पर अगर कोई लाइट की रे उस पाथ पर जाए और उसी पाथ पर वापस हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग किसी लाइट की रे को एक ऐसे पाथ पर ट्रेवल करें जो सेम पाथ पर वापस हो जाए, तो वो पाथ पहले तो कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, वो पाथ होगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पाथ का किसे कह रहे हैं, तो समझिए जाए कि अगर लाइट इस रे इस पाथ पर ट्रेवल करे और इसी पाथ पर बाउंस बैक हो जाए, मतलब उसमें कोई डेविएशन नहीं, एग्जैक्टली 180 एंगल पर वो बाउंस बैक हो रहा है, तो वो हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है वही हुआ हमारा पोल। ठीक है, तो हम पहले समझे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वह पाथ, किसी भी मिरर में कोई एक ही ऐसा पार्ट होगा, ऐसी ट्रैक होगा जहां पर लाइट बिना किसी रिफ्लेक्शन के एकदम एग्जैक्ट उसी पाथ पर वापस आ जाए। ठीक है, या फिर सीधा बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को कुछ अलग डेफिनेशन भी लोग लिखते हैं कि किसी मिरर के ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल मीन मतलब इसके हाफ को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाएगी वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस, और ज्योमेट्रिकल मीन जो है वही पोल। अगला हम लोग देखें फोकस। तो फोकस क्या होता है कि अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम किसी भी लाइट को लेके जाते हैं तो वो लाइट दोनों ही मिरर में रिफ्लेक्ट करने के बाद, दोनों ही मिरर में आपको रिफ्लेक्ट करने के बाद किसी एक पॉइंट पर या तो मिलेगी, जैसे कि यहां पर आपने लाइट को अगर लेके गए तो यहां पर क्या हो रहा है किसी एक ही पॉइंट पर ये कट करके इंटरसेक्ट होगी और इसी पॉइंट को बोला जाता है फोकस। मतलब कि लाइट की रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पर कट कर दे, उसे बोला जा रहा है फोकस। हम लोग बकायदा इन्हें डिटेल में डिस्क्राइब करके जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। तो ये हमारी टेक्निकल टर्म्स है जिसे हम लोग अपने माइंड में रख लें ताकि इमेज फॉर्मेशन के समय पर हम इसे यूज कर सकें। फिलहाल इस वीडियोस के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, इसके आगे के वीडियोस में हम लोग इमेज फॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।